नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। जनरली किसी भी फंक्शन को कॉल करने के टू पॉसिबल वे होंगे, आइदर बाय कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस और बोथ। फॉर एग्जांपल्स, अगर किसी भी फंक्शन कॉलिंग टाइम ड्यूरिंग फंक्शन कॉलिंग इफ वी आर सप्लाइंग डायरेक्टली वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, जब भी फंक्शन कॉलिंग टाइम पे किसी वैल्यू का वैल्यू पास करो तो इस पर्टिकुलर केस को नेम देंगे एज कॉल बाय वैल्यू। सेम एज व्हेनेवर ड्यूरिंग कॉलिंग वी आर सप्लाइंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, इन दैट केस दिस फंक्शन कॉलिंग स्टेट विल बी नोन एज कॉल बाय एड्रेस। सिंपल थिंग्स है, इस किसी भी फंक्शन को कॉल करने के रिस्पेक्ट में, जब भी आप करेंट या गिवन वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर आप वैल्यू पास करोगे देन हम लोग इसको एज कॉल बाय वैल्यू, अगर वैल्यू पास न करके अगर किसी वैल्यू का एड्रेस पास कर दें इस पर्टिकुलर थिंग्स को नेम देंगे एज कॉल बाय एड्रेस। फॉर एग्जांपल्स, वन मोर केस, वी आर हैविंग सम वैल्यू लाइक इंटीजर x इक्वल्स टू 10, देन सम पॉइंटर वैल्यू लाइक int star p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ x। इस पर्टिकुलर केस में अगर p के रिस्पेक्ट में बात करें तो p में क्या स्टोर हो रहा है, एड्रेस ऑफ x। सपोज दैट दिस इज द लोकेशन x हैविंग मेमोरी एड्रेस इज 100 एंड वैल्यू ऑफ x इज 10, दिस इज द वेरिएबल p और लोकेशन p पॉइंटिंग x। p के केस में सर क्या हो रहा है, एड्रेस ऑफ x। इन दैट केस 100x के रिस्पेक्ट में क्या है, मेमोरी एड्रेस, लेकिन p के रिस्पेक्ट में क्या है, वैल्यू। और इस केस में किसी भी फंक्शन को कॉल करता हूं लाइक सप्लाइंग p, इस प्लेस पर सप्लाई क्या होगा p के केस में 100, क्यों p के अंदर क्या स्टोर है 100। अगर मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें तो इस केस में पास क्या हो रहा है, एड्रेस। देन आप थिंक करो इस केस में दिस इज द कॉल बाय एड्रेस, बट इट इज नॉट अ कॉल बाय एड्रेस, इट इज अगेन स्टिल कंसीडर्ड एज कॉल बाय वैल्यू, बिकॉज इस केस में चेक करेंगे रिस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल्स। मींस इस केस में p क्या, p इज अ वेरिएबल और p के रिस्पेक्ट में क्या पास हो रहा है, वैल्यू ऑफ p और एड्रेस ऑफ p, value of p, that's why it is again considered call by value not a call by address। अगर इस केस में supply करता हूँ like that m1 address of p, in that case it is considered call by address। This is the difference between call by value and call by address। Here we are supplying comparison between call by value and call by address। We are completing all points। First one, in this case passing value of value means कॉल बाय वैल्यू के केस में सप्लाई क्या करेंगे और वैल्यू ऑफ वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस के केस में पास करेंगे एड्रेस ऑफ वेरिएबल, इट इज आल्सो नोन एज कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस। दिस इज द सिंटैक्स, हियर वी आर सप्लाइंग एक्स, एक्स मींस वैल्यू ऑफ एक्स, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड कॉल बाय वैल्यू, इन दैट केस वी आर सप्लाइंग एड्रेस ऑफ एक्स, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस। सेकंड पॉइंट, कैन नॉट चेक वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स यूजिंग फॉर्मल आर्गुमेंट्स, मीन्स कॉल बाय वैल्यू के केस में कभी भी एक्चुअल आर्गुमेंट, सॉरी फॉर्मल आर्गुमेंट का यूज करके भी एक्चुअल आर्गुमेंट्स का वैल्यू मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं। कॉल बाय रेफरेंस के केस में एक्चुअल आर्गुमेंट का वैल्यू फॉर्मल आर्गुमेंट्स का यूज करके चेंज करना पॉसिबल है यूजिंग दिस एग्जांपल्स। हियर वी आर कंसीडरिंग हाउ टू चेंज द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट यूजिंग फॉर्मल आर्गुमेंट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉल बाय वैल्यू। फर्स्ट ऑफ दैट, जैसे इसके में एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें फ्रॉम मेन फंक्शंस, मेन के रिस्पेक्ट में मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराएं फॉर वेरिएबल एक्स, दिस इज द स्टैक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम, एड्रेस है 100, 98, 96। सबसे पहले परफॉर्म क्या हो रहा है, मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल एक्स विद इनिशियल वैल्यू एज 10, बाय डिफॉल्ट इस लोकेशन का ए पर नेम क्या होगा, समथिंग स्टार 100, सेम है स्टार 98 विल नॉट शोइंग। देन आउटपुट के रिस्पेक्ट में बात करें, जैसे इस केस में प्रिंटर फंक्शन एक्टिव हो, मींस हियर वी आर टेस्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर कॉलिंग दिस इंक्रीमेंट फंक्शन और आफ्टर कॉलिंग इंक्रीमेंट फंक्शंस। जस्ट इंक्रीमेंट फंक्शंस के कॉल होने से पहले डिस्प्ले किया गया वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एक्स में करेंटली 10 फाउंड द स्लीप, प्रिंट किया हुआ से 10 एट दैट टाइम। नेक्स्ट में इसके जस्ट आप कॉल कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट फंक्शन, जब इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा देन इस पर्टिकुलर आर्गुमेंट x के प्लेस पर रिप्लेस किया गया वैल्यू ऑफ x, हियर x इज अ एक्चुअल आर्गुमेंट, से x के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा 10, देन जब फंक्शन कॉल होगा 10 असाइन किस में जाएगा इनसाइड वेरिएबल p, हियर वैल्यू ऑफ कॉपीड एक्चुअल आर्गुमेंट इनसाइड फॉर्मल आर्गुमेंट। नेक्स्ट वन, जब इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा तो इंक्रीमेंट के रिस्पेक्ट में लोकल वैल्यू क्रिएट होगा p विद इनिशियल वैल्यू एज 10। नेक्स्ट वन, हियर वी आर राइटिंग p इक्वल्स टू p प्लस 1,
पी के केस में वैल्यू क्या, 10, 10 प्लस 1 बिकम्स 11, 11 इज असाइंड टू द लोकेशन पी. नाउ दिस 10 इज रिप्लेस्ड बाय 11. इसके जस्ट बाद कंट्रोल सेंड हुआ, अगेन रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस. कॉलिंग प्लेस से जब कंट्रोल आया देन पार्किंग क्या, और डी ए लोकेशन ऑफ पी. देन अगेन इसके जस्ट बाद फिर से टेस्ट किया वैल्यू ऑफ एक्स, अभी भी एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, 10, दैट्स व्हाई 10 इज प्रिंटेड. इस केस में एक्स क्या था, दिस फंक्शन कॉलिंग एक्स इज अ एक्चुअल आर्गुमेंट, पी इज अ फॉर्मल आर्गुमेंट, और फॉर्मल आर्गुमेंट का वैल्यू मॉडिफाई किया इसके करेस्पॉन्डिंग एक्चुअल आर्गुमेंट में कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉल बाय वैल्यू. सेम केस टेस्ट करेंगे यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस, बिकॉज इन दैट केस वी आर सप्लाइंग एड्रेस ऑफ एक्स, इन फर्स्ट केस वी आर सप्लाइंग वैल्यू ऑफ एक्स. एड्रेस को सेट करने के लिए करेस्पॉन्डिंग पैरामीटर किस टाइप का रिक्वायर्ड होगा, पॉइंटर्स. नेक्स्ट अगेन सेम केस, प्रीवियस केस में आउटपुट शो हुआ था 10 10, व्हाट इज द आउटपुट इन केस ऑफ कॉल बाय रेफरेंस. अगेन वी आर टेस्टिंग ऑलमोस्ट सेम प्रोग्राम्स. अगेन मेन फंक्शन, जैसे कंट्रोल मेन के अंदर एंटर होगा, मेमोरी एलोकेट हुआ फॉर लोकल वेरिएबल ऑफ मेन फंक्शन कॉल्ड एज एक्स विद इनिशियल वैल्यू एज 10 प्लस एड्रेस इन 100 98 96. एड्रेस के रिस्पेक्ट में वन मोर नेम Next one is just what the printf again we are testing value of x will for calling increment now again we are testing after calling increment this increment function call only says that the printf function exactly lower x ka place par replace hoga x ka current value which is 10 that's why 10 is printed by this printf function next one again call hoga increment jaise increment function call karenge Then argument के place पर क्या replace होगा, address of location x which is 100, replace करेंगे address as 100 during function calling. Then control send होगा inside header of increment. Then इस केस में previous केस में p में क्या sign हुआ था 10, लेकिन इस केस में p में क्या sign हुआ 100 not a 10. Then again create होगा one more local variable as p to the location 98. पी के केस में कैसा होगा 100, पी इज अ पॉइंटर वेरिएबल, और पी पॉइंटर एंड पॉइंटर के रिस्पेक्ट में ऑलवेज टू लोकेशन क्रिएट होंगे, पी एज वेल एज स्टार पी. स्टार पी किस लोकेशन का नेम होगा, जिस लोकेशन का एड्रेस पॉइंटर में स्टोर है, पॉइंटर में 100 स्टोर है, इसलिए 100 लोकेशन का एक और नेम भी क्रिएट हो रहा है लॉजिकली, स्टार पी. नेक्स्ट वन, जब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रोसेस करेंगे पी के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे करंट वैल्यू ऑफ पी विच इज 100, इसका मीनिंग क्या हुआ, इक्विवेलेंट टू स्टार 100 इक्वल्स टू स्टार 100 प्लस 1. देन असाइनमेंट से जस्ट पहले परफॉर्म कराएंगे एडिशन. एडिशन के लिए फर्स्ट ऑपरेंड क्या है, स्टार 100. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार 100, वैल्यू ऑफ स्टार 100 इज 10, 10 प्लस 1 इज 11. 11 अगेन किस प्लेस पर असाइन होगा, दिस रिजल्ट विल बी असाइन टू द लोकेशन स्टार 100. स्टार 100 का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या 10, लेकिन न्यू वैल्यू क्या असाइन होगा 11. मींस चेंजेस किस में कराए थे, पी के थ्रू यूजिंग पी. पी इज अ फॉर्मल आर्गुमेंट, जब फॉर्मल आर्गुमेंट का यूज करके चेंजेस किस में हो रहा है, इन साइड एक्चुअल आर्गुमेंट एक्स. इस एक्स का इनिशियल वैल्यू 10 था, लेकिन जैसे ही इस एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ इमीडिएटली एक्स में कैसा हो चुका है 11. इसके जस्ट बाद कंट्रोल सेंड हुआ टू द रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस. जब कंट्रोल कॉलिंग प्लेस पर आएगा देन इसके जस्ट बाद क्या, नेक्स्ट प्रिंट एफ, देन परफॉर्म किया उसका डी ए लोकेशन ऑफ पी. प्रिंट एफ के थ्रू अगेन एक्स रिस्पेक्ट रहा है, लेकिन एक्स में आप करेंटली फाउंड कर रहा है 11, इसलिए नेक्स्ट केस में एक्स का वैल्यू प्रिंट हुआ 11. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय वैल्यू के केस में आउटपुट क्या हो रहा है 10 10, कॉल बाय रेफरेंस के केस में 10 एंड 11. इस कॉल बाय रेफरेंस को यूज करने का मेन पर्पस क्या रहेगा, चेंजेस द वैल्यू ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट यूजिंग फॉर्मल आर्गुमेंट्स.